आज ना मेरे पास टाइम बहुत कम है और बनाना है कुछ अच्छा, क्योंकि हस्बैंड का कॉल आया, बोले 15 मिनट में घर आ रहा हूँ, दोस्त के साथ खाना बना दो क्योंकि जरूरी काम आ गया है तो जल्दी से निकलूँगा। मुझे कुछ सेकंड्स तो समझ नहीं आया क्या बनाऊँ, फिर मैंने फटाफट डिसाइड किया कि मैं बनाती हूँ राजस्थानी दही प्याज की सब्जी। सिर्फ 2 मिनट में बन जाती है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। गर्मियों के सीज़न में प्याज और दही से जल्दी से बन जाएगी, ज़्यादा कुछ काटना भी नहीं पड़ेगा। साथ में बनाऊंगी खूबा रोटी, राजस्थान की बहुत ही फेमस है। यहाँ मैंने 1 कप आटा लिया है, स्वाद के अनुसार नमक डाला है, चुटकी भर हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच कसूरी मेथी और 2 चम्मच घी डाल दिया है मोइन के लिए। सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी डालकर अच्छा सा डो लगाकर तैयार कर लूँगी। आटा थोड़ा टाइट ही रखना है, ज़्यादा गीला नहीं रखना है। ये देखिए आटा लग गया है, इसको हम ढक कर साइड में रख देंगे, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। गर्मियों में सब्जियों की कमी रहती है तो समझ नहीं आता क्या बनाऊं। सबसे पहले 3 या 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है, पतला सा रखना है। इसी के साथ मैंने लिए है 3 से 4 हरी मिर्ची, इनको भी मैं पतला पतला कट कर लूँगी। आज ये जो दही प्याज की सब्जी हम बना रहे हैं ना, वो इतनी टेस्टी लगती है कि इसके आगे पनीर भी फीका लगता है। सब्जी को बनाने से पहले हम इसका एक दही का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ लगभग 1.5 बाउल दही, मतलब लगभग 2 प्याज पर 1 कटोरी लेना होता है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। दही फटे नहीं इसलिए मैं इसमें पहले से ही मसाले मिक्स कर लूँगी। नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरे का पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कई बार आपने सुना होगा ना, दही फिट जाती है, ये एक तरीका है जिससे दही फटता नहीं है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको भी हम साइड करके रख देंगे। एकदम सिंपल सब्जी तैयार कर रही हूँ, जो अपने घर में पड़े सामान से ही आसानी से बन जाती है। मैंने कढ़ाई को गरम करने रखा है, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। जैसे ही तेल गरम होता है मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, चुटकी भर हींग। जब ये सब चीज़ें चटक जाएं, तो जो हमने हरी मिर्ची काट कर रखी है ना, वो डालेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है। मिर्ची को कंटिन्यूसली चलाते हुए लगभग आधा मिनट फ्राई करेंगे। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक यू कर सकूं। मिर्ची जब थोड़ी फ्राई हो जाए तब हम इसमें प्याज डालेंगे। मिर्ची को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का ही फ्राई करना है, उसके बाद इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज इसमें ऐसा दिख रहा है ना, लंबा लंबा कटा हुआ, बहुत ही बढ़िया लगता है ये प्याज। इसमें प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना है। प्याज और दही तो हर घर में हर टाइम मिल ही जाता है, तो जब भी घर में कोई सब्जी ना हो तो फटाफट ये सब्जी बना सकते हैं। प्याज और मिर्ची भुन गई है, अब इसमें डालेंगे दही और मसालों का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था। दही ताज़ा ही लेना है, ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। इस समय पर इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। जैसे ही छोड़ेंगे दही फट जाएगा। मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच काला नमक। काला नमक का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इसमें। लगातार चलाते रहें, थोड़ा सा हमें इसे पका लेना है। जो जो सब्जी पकती जाएगी हल्का सा ऑयल बाहर आ जाएगा, इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे। अगर आपको सब्जी और घाटी चाहिए तो और पका सकते हैं। मैं खोबा रोटी के साथ बना रही हूँ, वो थोड़ी मोटी होती है ना, तो इसके साथ थोड़ी रसेदार सब्जी ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं डाल रही हूँ सूखा हुआ धनिया और सूखा हुआ पुदीना। इस सब्जी में पुदीना का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, और गर्मियों में पुदीना हमें ठंडक पहुँचाता है, तो हमें हर चीज़ में डालना चाहिए। मुझे तो पुदीना बहुत पसंद है, रायता, छाछ सब में मैं डालती हूँ, बहुत स्वाद लगता है। खोबा रोटी भी दाल बाटी की तरह खाने में बहुत टेस्टी
लगती है। आप इसको चाय के साथ, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, किसी के भी साथ खाएं। बहुत ही स्वाद लगती है क्योंकि ये एकदम क्रिस्पी सी होती है और ऊपर से घी लगाकर तो बस मजा ही आ जाता है। जो आटा मैंने लिया उसके 4 भाग किए हैं। इसकी लोई थोड़ी बड़ी होती है जिसको मैंने थोड़ा सा मोटा बेल लिया है। आंच को बिल्कुल मीडियम रखना है और इसको तवे पर सेक लेंगे। इसके ऊपर चाकू से छेद कर लेते हैं, इससे रोटी अंदर तक अच्छे से सिक कर तैयार हो जाती है। इसे तवे के ऊपर हल्का सा सेक लेंगे, ज़्यादा नहीं सेकेंगे, एक बार पलट लेंगे। उसके बाद हम इसको पिंच करेंगे। अगर आपको गर्म लगे तो आप चिमटे से भी पिंच कर सकते हैं, जैसे बचपन में हम चुटकी भर के भाग जाते थे ना अपने दोस्तों को या भाई बहन को, बस वैसे ही चुटकी खानी है रोटी को, चारों तरफ से कोई प्लेस खाली ना रह जाए। चिमटे से या दोनों हाथों की जो फिंगर्स है ना, रोटी की चुटकी भरनी है, इसको बोलते हैं खूबा रोटी। या तो चिमटे से या तो अंगूठे और उंगली के बीच में दबाएंगे तो इससे ये बढ़िया सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है। इसी को बोलते हैं खूबा रोटी, खूब सारी चुटकी वाली खूबा रोटी। इसको तवे पर जितना अच्छे से सिक जाए सेक लेंगे। फिर हम इसको तवा हटाकर गैस पर डायरेक्ट सेक लेंगे। आँच बिल्कुल मीडियम रखनी है, नहीं तो ये जल सकती है। मीडियम आँच पर इसे अच्छे से सेकना है, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए अच्छे से सेक गई है दोनों तरफ से। अब हम दूसरी रोटी भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दूसरी रोटी को भी मैंने बेल लिया है और छेद कर लिए हैं। अब इसको पलट के दूसरी तरफ हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए हम गोल गोल डिज़ाइन बनाते जाएंगे, यानी कि बहुत सारी चुटकी खाते जाएंगे। जैसे कभी हमको तवे पर बहुत गर्म लगता है ना, तो ये बहुत आसान तरीका है। हम चकले पर ही पहले से ही रोटी को चुटकी काट लेंगे और उसके बाद हम सेकेंगे, है ना बढ़िया सा आइडिया। जैसे कभी हम जल्दी में हो तो बहुत सारी रोटियां इस तरीके से हम बेल कर रख सकते हैं, फिर आराम से 2 तवे रख कर जल्दी से सेक सकते हैं। इस रोटी को नीचे की तरफ हल्का सा तेल लगाकर हम इसको भी मीडियम फ्लेम पर गैस पर सेक लेंगे। बिल्कुल पहले वाली रोटी की तरह थोड़ा सा तवे पर सेकेंगे और थोड़ा सा डायरेक्ट फ्लेम पर। तई प्याज की सब्जी और खोबा रोटी खाने में बढ़िया लगती है, बनाने में इजी, फटाफट बनकर तैयार हो जाती है और ज़्यादा माथा पोड़ी भी नहीं है इसमें। साथ में पापड़ भी सेक लेती हूँ। आप चाहें तो रोटी पूड़ी या चावल भी बना सकते हैं दही प्याज की सब्जी के साथ। एकदम सिंपल है, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत सारे लाइक करें क्योंकि मैं बहुत प्यार और मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। एकदम सिंपल प्याज और दही की सब्जी, अचार, पापड़ और खोबा रोटी, एकदम बढ़िया खाना है, कोई कमी नहीं है इस खाने में। अब आप अपनी श्रद्धा अनुसार घी लगा सकते हैं और जब आप किसी को भी सर्व करेंगे ना तो खाने वाला ये बोलने से नहीं छूकेगा, अरे वाह यम्मी।